नमस्कार, अचीवर्स ICS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज हम देखेंगे संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। पिछले लेक्चर में हमने कैबिनेट मिशन योजना के बारे में देखा था, तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के भाग व अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और वर्तमान में भी 22 भाग ही हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। संविधान में संशोधन क्रमांक 1, 52, 73 और 74 के द्वारा क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं संविधान के भाग। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद क्रमांक 5 से लेकर 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3, मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 में हमें इसका वर्णन मिलता है। भाग 2, नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11। भाग 3, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के प्रावधान नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 का नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 का में कुल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। भाग 5, संघ सरकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक के जो भी प्रावधान हमें मिलते हैं वो भाग 5 के अंतर्गत आएंगे। संघ सरकार अर्थात भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसे कुल 5 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। अध्याय 1, कार्यपालिका। अध्याय 2, संसद। अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अध्याय 4, न्यायपालिका। अध्याय 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भाग 6, राज्य सरकार। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वे सभी भाग 6 अर्थात राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। इसे कुल 6 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। अध्याय 1, साधारण। अध्याय 2, कार्यपालिका। अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल। अध्याय 4, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। और अध्याय 5, राज्यों के उच्च न्यायालय। तथा अध्याय 6, अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड ख से संबंधित है। इसे 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भाग 8, संघ का राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 9, पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। 243 से लेकर 243 तक कुल 16 अनुच्छेद हमें पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में मिलते हैं। भाग 9 का नगरीय निकायों से संबंधित है। भाग 9 का सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 244 से 244 का तक के जो भी प्रावधान हैं वो हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के संबंध में हैं। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों के वर्णन किया गया है। इसे 2 अध्याय में वर्गीकृत किया गया है। अध्याय 1, विधायी संबंध। अध्याय 2, प्रशासनिक संबंध। भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। इसे कुल 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। अध्याय 1, वित्त। अध्याय 2, ऋण लेना। अध्याय 3, संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद। और अध्याय 4, संपत्ति का अधिकार, जिसका अनुच्छेद है 300 का। भाग 13, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। भाग 14, संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं।
इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे कुल दो अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। अध्याय एक में सेवाओं का वर्णन किया गया है और अध्याय दो में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का तक के प्रावधान भाग 15 के अंतर्गत आते हैं। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक भाग 16 के अंतर्गत आएंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को शामिल किया गया है। भाग 17 संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। इसे कुल चार अध्याय में वर्गीकृत किया गया है। अध्याय एक संघ की भाषा, अध्याय दो प्रादेशिक भाषा, अध्याय तीन सर्वोच्च व उच्च न्यायालय की भाषा, अध्याय चार विदेश निर्देश। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। इस भाग में तीन तरह के आपातकालीन उपबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 20 संविधान में संशोधन की विधियां बताई गई है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक के प्रावधान भाग 21 के अंतर्गत आएंगे। भाग 22 संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से संविधान के 22 भाग यहाँ पे समाप्त होते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, इसमें हम संविधान की कुल 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि किन किन अनुसूचियों को कब कब शामिल किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूची क्रमांक एक भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में है। इसमें भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन हमें मिलता है। भाग 2 विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल हैं। अनुसूची क्रमांक 3 विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख करता है, जिसमें संघीय मंत्री, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। अनुसूची क्रमांक 4 विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व के संबंध में है। अनुसूची क्रमांक 5 अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित करता है। अनुसूची क्रमांक 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। अनुसूची क्रमांक 5 और 6 दोनों ही जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में हैं। अनुसूची क्रमांक 7 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लिखित करता है। इसके अंतर्गत तीन सूचियाँ हैं, संघ सूची जिसमें 97 विषय शामिल हैं, राज्य सूची जिसमें 66 विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची जिसके अंतर्गत 47 विषयों को शामिल किया गया है। अनुसूची क्रमांक 8 इसमें भारत के कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं। हमें ध्यान में रखना होगा कि अंग्रेजी को इन भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूची क्रमांक 9 भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची क्रमांक 9 को जोड़ा गया था।
अनुसूची क्रमांक 10 दल बदल कानून या दल परिवर्तन रोधी कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची क्रमांक 11 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची क्रमांक 12 नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें नगरीय निकाय से संबंधित कुल 18 विषयों का प्रावधान किया गया है और इसे 74वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसकी विशेषता और भारतीय संविधान को किन किन देशों से अपनाया गया था।